हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज ये मेरा यूट्यूब पे पहला वीडियो है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको पहले स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन से करना चाहूँगा। मेरा नाम लकी है और मैं हिमाचल के छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ। तो पहले आज हमारे पास जो हम रिव्यू करेंगे गाड़ी का, तो हमारे पास रहेगी होंडा SP125। तो मैंने अभी ये रिसेंटली ही परचेज़ करी है। ये आई थिंक इसको 10 दिन अभी हुए हैं ली हुई को। 10 दिन पहले ही मैंने ये परचेज़ करा है। ये होंडा का 2022 मॉडल है SP, और ये डिस्क वाला वेरिएंट है। इसमें दो वेरिएंट आते हैं, एक डिस्क वाला आता है और एक ड्रम वाला आता है। लेकिन आप ड्रम वाले को ड्रॉप करके डिस्क वाले को ही प्रेफरेंस दें, क्योंकि आई थिंक डिस्क वाला काफ़ी बेटर परफॉर्म करता है ड्रम के मुकाबले, और ज़्यादा प्राइस डिफरेंस भी नहीं है। और गाड़ी के आप लुक देख ही सकते हैं यार, ये काफ़ी मतलब 125 cc के हिसाब से काफ़ी बल्कि लुक देता है। सामने से देखें और साइड से देखें तो काफ़ी अच्छा लुक ये बल्कि देता है आपको, और स्पोर्टी फील करवाता है। अगर हम इसके फ्रंट से शुरू करें तो फ्रंट में आपको फुल LED सेटअप मिलता है जो काफ़ी ब्राइट है। और ये रहा इसका लो बीम और ये रहा इसका हाई बीम। अभी आपको इतना पता नहीं चलेगा लेकिन रात में ये काफ़ी अच्छे परफॉर्म करता है। आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आने वाली लाइट के मुकाबले। और इसकी सीट जो है वो काफ़ी कंफर्टेबल है, मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं आपको मतलब ज़्यादा हार्ड भी नहीं है और ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है। मतलब आप काफ़ी अच्छे से इसको मतलब लंबे सफ़र पे जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ठीक है, डिसेंट है, मतलब अच्छी ही है उसकी, वो कुछ नहीं, काफ़ी अच्छी है। ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है और ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। बात करें अगर इसके मीटर कंसोल की, तो यार मुझे ना मीटर में शायद इसका थोड़ा सा जो ब्राइटनेस है वो कम लगी। एक तो मैंने इसमें ना पहले अभी अपना लैमिनेशन करवा रखा है ब्लैक वाला, उसकी वजह से भी है, लेकिन वैसे भी इसका थोड़ा सा कम है शायद। मतलब BS6 मॉडल है और इग्निशन ऑन करते इसकी लाइट मीटर की वो जलती रहती है, तो क्या था कंपनी ने उस हिसाब से थोड़ा सा कम रखा है। लेकिन ठीक है, इतना वो भी नहीं, लेकिन मुझे जो लगा है कि इसका थोड़ा सा हल्का सा ब्राइटनेस कम है। तो अभी जो गाड़ी चल चुकी है वो चल चुकी है मेरी 624 10 दिन में, मतलब मैंने काफ़ी चला लिया, तो उसी के हिसाब से मैं आपको रिव्यू दे रहा हूँ। और गाइस बात करें इसके शॉकर्स की, तो शॉकर इसके थोड़े मतलब हार्ड है, लेकिन हार्ड मतलब मुझे तो हार्ड अच्छे लगते हैं। ऐसा नहीं है यार, अगर आप ज़्यादा सॉफ्ट शॉकर लेते हो तो जैसे कोई आपके पीछे पिलियन बैठा है तो वो ना ऐसा जैसे कहीं खड्डा खुड्डा आता है, कहीं आप स्पीड से चलते हो तो ऐसा लगता है कि वो झूल रही है गाड़ी। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आप इसको आराम से चला सकते हो। मतलब गड्ढों गुड्ढों में हल्का सा वो फील होकर आएगा, लेकिन बाकी ज़्यादा कुछ नहीं है। मतलब ठीक है, डिसेंट है। लेकिन आप इसके टायर की बात करें तो फ्रंट का जो टायर है, इसका फ्रंट का और रियर का टायर साइज सेम ही है, तो ये थोड़ा सा मुझे नेगेटिव पॉइंट लगता है। लेकिन अगर आप एवरेज के हिसाब से देखें तो ठीक है, चलने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप लुक लेते हो कि हाँ अभी थोड़ा बल्कि लुक चाहिए, जैसे गाड़ी को कंपनी ने आगे से फ्रंट से काफ़ी बल्कि लुक दी है और रियर से आपको थोड़ा सा पतला लगता है ऐसा, तो उस हिसाब से है। बाकी इसकी टेल लैंप काफ़ी स्पोर्टी है ये भी। और ये रहे इसके इंडिकेटर जो कि फ्लेक्सिबल नहीं है। अगर इसके ऊपर कुछ ज़्यादा जोर लगाएगा, कुछ कई बार क्या होता है बच्चे खींच देते हुए टूट सकता है। वैसे इसमें मैंने अभी ज़्यादा काम नहीं करवाया है, इसमें मैंने स्टार्टिंग में लैमिनेशन, फुल बॉडी लैमिनेशन हो चुका है इसका। ये सारा टैंक पे, इन पार्ट्स पे, यहाँ पे सारा ये लैमिनेशन हो चुका है। और फ्रंट में मैंने कार्बन का ये लैमिनेशन करवाया, कार्बन वाला, तो जिसकी वजह से मेरे ख्याल से फ्रंट की लुक और अच्छी आ रही है इसकी। ये गाड़ी कहीं से ऐसा नहीं लगता है कि बिल्कुल फिट एंड फिनिश है। मतलब कहीं आप किसी भी एंगल से देख लो तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि गाड़ी मतलब कहीं से कोई पार्ट ऐसे निकला हुआ लग रहा है या मतलब एक्स्ट्रा लग रहा है, कि ऐसा लगता है कि कई बार हमने एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन करवाई हुई है, जैसे कई गाड़ियों में हो रहा होता है। तो मैं अपनी बात बताऊँ तो मैं पहले इस गाड़ी को मैंने देखा नहीं था, मतलब वैसे चलते हुए देखा, लेकिन मैंने इसको चलाया नहीं था, मतलब काफ़ी पास से नहीं देखा था, रोड पर चलते हुए मतलब काफ़ी बार देखा था। तो जब मैंने मतलब इस गाड़ी को देखा, तो देखने के बाद तो मेरे को मतलब काफ़ी अच्छा लगा फील हुआ, क्योंकि मैं इससे पहले मैं 150 cc मतलब मैं अभी जो मेरे पास रिसेंटली बाइक है वो मेरे पास है फेजर 150,
और एम टी भी मैंने चला रखी है, उसके पहले मेरे पास पल्सर था। तो उसी हिसाब से अगर मैं देखूँ ना तो मुझे मतलब काफ़ी, बल्कि ऐसा नहीं हुआ लग रहा था कि कहीं मतलब गाड़ी छोटी है जो कुछ है, मतलब फ्रंट से देखने से मेरे को अच्छी लगी गाड़ी। लुक्स देखो आप, ऊपर से यार होंडा का ब्रांड मिल रहा है ये देखो ना। और चलने में भाई साहब गाड़ी एकदम मक्खन होता है ना, मक्खन की तरह चलती है, ऐसा नहीं है कि आपको लगे कहीं यार। और ऊपर से यार उसमें जो होंडा, अगर मैं वो देख रहा था आपकी दूसरी गाड़ी देखूँ कोई 125 cc, तो उनमें कहीं भी 4 गियर आते हैं, इसमें ऊपर से 5 गियर है, तो 5वें गियर में तो आपको ये बिल्कुल स्मूथ हो जाती है गाड़ी अगर आप नॉर्मली चलाते हो। तो नॉर्मली मतलब मान लो जैसे मैं खुद का लगाऊँ तो मैं मतलब 60 to 65 तक के बीच में चलाता हूँ, क्योंकि अगर आप इतना चलाते हो तो सही है यार। जिसको ज़्यादा तेज़ चलाने का मतलब फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ज़्यादा तेज चलाओगे तो एवरेज भी ड्रॉप होगी। और 125 cc है यार, अगर आपको भगानी है तो आप 125 cc क्यों लोगे, आप 150 की तरफ जाओगे। और यार अगर आप लेने की सोच रहे हो तो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी थोड़ा पहले कंफ्यूज था कि कौन सी लूँ कौन सी नहीं लूँ, तो मतलब एक तो यार लुक देखो यार गाड़ी की, मुझे मतलब कहीं किसी भी एंगल से ऐसा नहीं लग रहा है कि गाड़ी में कोई कमी है। हाँ लेकिन लोग बोलते हैं यार कि सर टायर पतला है, तो भी सी बात है यार, गाड़ी कंपनी मतलब आपको इतनी एवरेज प्रोवाइड करा रही है, जो तो एवरेज के हिसाब से तो आपको थोड़ा सा आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, ऐसा नहीं है। लेकिन चलने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं अभी भी इसको मतलब अभी 150 किलोमीटर ड्राइव करके आ रहा हूँ रिसेंटली अभी, तो मुझे कोई दिक्कत परेशानी नहीं आई है। हाँ अगर आप ले रहे हो तो आप ड्रम वाले को ड्रॉप करके आप डिस्का वाला ले सकते हो, क्योंकि यार ड्रम की जो फिर ब्रेकिंग परफॉर्मेंस है ना वो इतनी अच्छी नहीं है जितनी इसकी है, मतलब काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है यार उसका डिस्क ब्रेक का। बाकी लुक्स में तो कोई कमी है नहीं है गाड़ी में। तो अभी तो मैंने इसको 600 किलोमीटर पूरे कर लिए हैं इसके तो, और इसके मतलब सर्विस हो जाएगी 1000 किलोमीटर के ऊपर सर्विस है इसकी, तो वो भी आई थिंक मेरे ख्याल से परसों तो कम्प्लीट हो ही जाएगा इसका। मज़ा आ रहा है यार चलाने में, कोई ऐसी दिक्कत परेशानी नहीं है कि आपको 125 है तो मज़ा नहीं आएगा चलाने में। मैं भी खुद यूज़ कर रहा हूँ उसको, और मज़ा पता कब आता है, जब आप तेल डलवाते हो तो तेल ख़त्म नहीं होता गाड़ी का, और अब चलते जा रहे हो तब मज़ा आता ही नहीं यार, तेल कहाँ महंगा बार बार डलवाना पड़ रहा हो। क्योंकि देखो आप नॉर्मली मैं यार 150 और 200 मैंने चला रखी है, तो उनमें पता क्या होता है, आप नॉर्मल 150-200 ले लो तो आप कितना चलाते हो यार, कितना भगाओगे उसको, हर भगाते थोड़ी रहोगे। ठीक है कभी कभार के लिए अच्छा लगता है, लेकिन जब बार बार आपको तेल डलवाना पड़े तो हाँ, अगर आपके ज़्यादा पैसे हैं फिर तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो मेरा भी ये था पहले यार कि मैं पहले 150 चला रहा हूँ 200 चला रहा हूँ, तो उसके बाद अभी मुझे 125 पे पता क्या, एक तो मेरी रनिंग थोड़ा ज़्यादा रहती है, मतलब ये लगा लो आप अभी खुद देख लो यार, मैंने 10 दिन में अभी मेरे 600 किलोमीटर हो गए हैं, तो आई थिंक मैं और मतलब 4-5 दिन में इसके 1000 किलोमीटर हो जाएंगे। तो 150 cc होता तो मेरा तेल निकल जाता, तेल डलवाते मेरा खुद का तेल निकल जाता, जैसे मतलब पेट्रोल के जो प्राइस चल रहे हैं। तो अभी मैं आपको सच्ची बताऊँ, मैंने इसमें जब मैंने नहीं ली थी तो मैंने इसमें 700 का पेट्रोल फिल करवाया था, तो 700 का पेट्रोल फिल करवाने के बाद मैंने इसको 500 किलोमीटर चला दिया था, तो उसके बाद भी ये मेरे को जो इसका मतलब एवरेज मतलब बता रहा था कि ये कहाँ तक जा सकती है, तो जो मीटर में बता रहा था वो मेरे को बता रहा था 130 किलोमीटर। फिर मैंने उसके बाद अभी 300 का तेल और डलवाया इसमें रिसेंटली अभी थोड़ी देर पहले, तो 300 का तेल डलवाने के बाद ये गाड़ी लगा लो आप 150 किलोमीटर से ऊपर चली है, और अभी भी ये 150 किलोमीटर चल जाएगी मुझे लगता है, मुझे लगता नहीं चल जाएगी वैसे भी अगर आप इसको नॉर्मली चलाते हो, क्योंकि मैं नॉर्मली लेके आया हूँ हाईवे, ज़्यादा नहीं कि मैंने इसको भगाया हो 70 पे 75 पे, क्योंकि तो नई गाड़ी है, नई गाड़ी को भगा नहीं सकते आप अभी, एक बार इसका मतलब सर्विसिंग हो जाए उसके बाद आप इसको भगा सकते हो। और ये सर्विस के बाद नहीं इसका एवरेज और बढ़ेगा अभी, अभी तो मतलब सर्विस हुई नहीं है, नई गाड़ी है, इंजन खुलेगा तो ऑब्वियसली बात है यार एवरेज में थोड़ा फर्क तो पड़ेगा ही पड़ेगा ना। तो यार ठीक है, अगर आप मतलब 125 मतलब लेने जा रहे हो तो एक बार मेरे ख्याल से इसको ट्राई कर सकते हो यार, एक बार ट्राई करके देखो, चला के देखो और मतलब फील करके देखो। वो ऊंची गाड़ी है यार, ऐसा नहीं है नीची है, मेरी हाइट मतलब 6 फीट है, तो अप्रॉक्स 6 फीट तो मुझे मतलब चलाने में ऐसा कुछ नहीं है। कई बार होता क्या गाड़ी अब 125 के हिसाब से लेते हो तो उन पर कई बार मतलब वो अनकम्फर्टेबल सा लगता है यार, आप मतलब थोड़ा चलाते हो तो फिर तो ठीक है, लेकिन आप लंबी ड्राइव करते हो तो घुटनों में दर्द ये वो, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। मतलब लंबी हाइट वाला बंदा भी चला सकता है, छोटी हाइट वाला भी चला सकता है, वो सूटेबल लगती है यार, ऐसा नहीं कि आप लंबे हो तो आप इसके ऊपर बैठो, कई बार होता है ना गाड़ी छोटी लगती है बंदा लंबा सा लगता है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है।
तो गाइस यही इसका रिव्यू था। अभी फिलहाल मैं जो इसकी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें आपको मैं इसकी जो रियल टाइम एवरेज रहेगी, जो मतलब कितना दिन मतलब सामने पहले पूरा इसका टंकी खाली कर लूँगा मैं, कितना भी पेट्रोल है उसको खाली करके फिर मैं जैसे भी रहेगा आपके सामने मैं इसका एवरेज का रिव्यू कर दूंगा कि मुझे मतलब रियल एवरेज कितनी दे रही है। क्योंकि मैंने अभी तो देखा है वो मीटर के हिसाब से देखा और मैंने मतलब जितना तेल डलवाया था तो उसके हिसाब से तो मेरे को अच्छा दे रही है एवरेज। लेकिन एक बार आपको आपके सामने भी मैं करके दिखा दूंगा कि मतलब कितना एवरेज देती है। बाकी जो भी रहेगा, बाकी थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन कुछ और भी करवाना है मैंने, जैसे थोड़ा सा कहीं इन पे भी लेमिनेशन करवाना है कार्बन वाला, क्योंकि पता क्या था यार स्क्रैचेस आ जाते हैं और कई बार धूप में खड़ी रहती है कहीं है तो उसकी वजह से स्क्रैचेस आ जाते हैं और कलर फेड हो जाता है तो अजीब सा लगता है, तो ये करवाना है। और बाकी देखते हैं और क्या होता है। तो ये था इसका रिव्यू। बाकी अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब, बाकी पहला वीडियो मेरा तो शेयर आपकी, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप शेयर भी कर सकते हो। बाकी जो भी रहेगा तो नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका सारा ओवरव्यू दे दूंगा और एवरेज वगैरह सारा समझा दूंगा। अगर कोई आपको दिल में डाउट है या कुछ आपको पूछना हो तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो कि क्या है मतलब गाड़ी के बारे में कुछ और आपने जानना हो जो मेरे से छूट गया हो, क्योंकि थोड़ा पहला वीडियो तो थोड़ा नर्वस भी हूँ बनाने में, मुझे समझ नहीं आ रहा मतलब क्या क्या होता हूँ। तो जो मुझे लगा वो मैंने आपको सारा बता दिया। अगर आपके मन में कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन आप मेरे को मैसेज में लिख के पूछ सकते हो तो मैं आपको उसका आंसर दे दूंगा। और बाकी कल मतलब अभी ऐसा रहेगा कि अभी मैं आपको डेली या दूसरे दिन मेरी एक वीडियो आती रहेगी, ऐसी भी और भी कई बाइक्स का मैं आपको ओवरव्यू दे दूंगा जो भी रहेगा। और आपको भी अगर किसी और बाइक का रिव्यू लेना है उसके बारे में जानना है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो तो मैं आपको उसका रिव्यू दे दूंगा। सो थैंक यू गाइस। और 1 लाइक यार इसके लिए तो बनता है, मैंने तो कर दी है, अगर आप भी एसवी लवर हो तो आप इसके लिए एक लाइक कर सकते हो। सो बाय बाय गाइस, थैंक यू।